Good afternoon, friends. My name is Dr. Ghazala Sheikh, and today I'm going to speak about caregiving for congestive cardiac failure patients. आज का जो टॉक है मैंने ये इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि पिछले दिनों मैंने कैजुअलिटी में कुछ पेशेंट्स देखे हैं CCF के और उनको CPR दिया बट वी कुडंट सेव देम. दिस इज़ बिकॉज वी डोंट नो अबाउट हाउ टू यू नो टेक केयर ऑफ दीज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन सच एज CCF. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने क्योंकि हम अपनों का ख्याल तो रखना चाहते हैं जब वो बीमार होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उन बीमारियों के बारे में जानें ताकि हम बेहतर तरीके से अपनों का ख्याल रख सकें. दोस्तों, केयर गिविंग एक ऐसा रोल है जो लाइफ में हम सभी को कभी ना कभी प्ले करना होता है. कभी हम अपने बुज़ुर्गों, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कर सकते हैं, कभी आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके लाइफ, आपके स्पाउस बीमार होते हैं, बच्चे कभी कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन सफ़र करते हैं. तो केयर गिविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फेज़ है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए सबसे पहला केयर गिविंग हमेशा दिल से करनी चाहिए. तो इसीलिए सबसे पहली जो मेडिकल कंडीशन केयर गिविंग के लिए मैंने सिलेक्ट की है वो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. जैसा आप जानते हैं, हार्ट फेलियर दैट मींस योर हार्ट विच इज़ अ विच एक्स लाइक अ पम्प. आपका हार्ट जो है वो एक पम्प की तरह आपके बॉडी में काम करता है, राइट फ्रॉम योर यू नो इनसाइड फ्रॉम द वूम ऑफ योर मदर टिल योर लास्ट ब्रेथ. ये ऐसा ऑर्गन है जो नॉन स्टॉप आपके लिए काम करता है. हार्ट फेलियर कंजेशन का मतलब होता है फुलनेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर. दिस इज़ द नॉर्मल हार्ट वेर यू हैव द फोर चैम्बर्स यू कैन सी एंड जस्ट सी एज एट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? द चैम्बर्स हियर आर डायलेटेड. यहाँ पर जो हार्ट है उसका साइज बढ़ा हुआ है और ये सारे जो चैम्बर्स हैं इनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है. इस कंडीशन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं और ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है. मतलब जो ये पंप है, इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपके जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर होता है और या सब यस कार्डियक फेलियर. कंजेशन का मतलब होता है फुलनेस. अगर आपका हार्ट पंप ना करे, नॉर्मल हार्ट का काम क्या होता है, जो 6 लीटर्स ऑफ ब्लड आपके बॉडी में है उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेट करके पूरे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को प्रोवाइड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल हार्ट. लेकिन जब हार्ट, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट, ये जो आपका पंप है वो, उसकी जो पंपिंग करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है सारे और सर्कुलेशन का जो काम है वो सही कर नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कंजेशन डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है, बहुत सी तकलीफ जो है वो पेशेंट्स को होती है. आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कारण से जो है आप कार्डियक फेलियर में जा सकते हैं. सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, CAD. आपको पता है बहुत सारे लोग आजकल हार्ट पेशेंट्स हैं, तो हार्ट पेशेंट्स कभी भी जो है वो CCF पेशेंट्स बन सकते हैं. सेकेंड कॉज है हार्ट अटैक के बाद, क्योंकि हार्ट अटैक एक तरह का आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए, दे आर क्राइंग फॉर ऑक्सीजन. तो हार्ट अटैक होने के बाद आपके हार्ट जो डैमेज होता है, आपके हार्ट मसल्स जो लॉस होते हैं बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, बिकॉज ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ ब्लड, उसके बाद भी जो है हार्ट डायलेट हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं. हार्ट अटैक के बाद जो है वो हार्ट आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जा सकता है. थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर. आज बहुत सारे लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारे कारण जो हैं वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की तरफ आपके पेशेंट को लेकर जाते हैं. इसी तरह बहुत सारे इन्फेक्शन्स हैं जिसकी वजह से भी आपका हार्ट जो है, रूमेटॉइड फीवर, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन्स होते हैं, एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं.
तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से जो है वो हार्ट मसल जो है वो डैमेज होता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है. ओबेसिटी भी एक ऐसा कारण है जिससे जो है पेशेंट सीसीएफ में जाता है. जी ये इन्फेक्शन हवा से आता है? नहीं सर, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं उस इन्फेक्शंस के. या बट मेन है कि आपका हार्ट जो है, हार्ट मसल है, वो जब डैमेज होगा तो उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो अफेक्टेड होती है और उसकी वजह से बॉडी में कंजेशन डेवलप होना शुरू होता है उसके, और उसकी वजह से पेशेंट्स के हैं जो वो साइन और सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं. अब इंसिडेंस क्या है, 65 इयर्स के अबव जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो सीसीएफ होता है. और मैंने कैजुअलिटी में देखा है लोगों को कि वो बिल्कुल एंड स्टेज में हाउ मतलब बिल्कुल उस वक्त लोग लेकर आते हैं जब उनको बचाया नहीं जा सकता. जस्ट 2 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले अगर वो सेम पेशेंट हॉस्पिटल में आया होता तो शायद सीसीएफ को कंट्रोल करके हम उनकी जो मॉर्टेलिटी है उसको कम कर सकते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि 65 इयर्स अबव पेशेंट, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो सीसीएफ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की एक वजह होती है. मोर देन 15 मिलियंस न्यू केसेस ऑफ सीसीएफ आर एस्टिमेटेड एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड. और जाहिर सी बात है एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों में सीसीएफ का अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है. नाउ इसके सिम्टम्स क्या है, सीसीएफ सबसे पहला सिम्टम्स कंजेशन होने की वजह से होता है कि अगर आपका ब्लड आपका हार्ट ब्लड को बराबर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो कंजेशन डेवलप होने की वजह से जो नेबर ऑर्गन है लंग्स में जो है वो कंजेशन के साइंस डेवलप होने शुरू होते हैं, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, जिसकी वजह से सबसे पेशेंट्स को सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ महसूस होनी शुरू होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, आपके घर में एजड पेरेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, तो आपको हमेशा सीसीएफ को ध्यान में रखना चाहिए. सेकेंड है स्वेलिंग. स्वेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ कंजेशन, क्योंकि जब सर्कुलेट नहीं हो पाएगा फ्लूइड, आपकी किडनीज बराबर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी उस फ्लूइड को, उसकी वजह से वो बॉडी में जमा होना शुरू होता है. तो जितने भी डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ पर वो फ्लूइड जमा होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है. तो आप देखेंगे पैरों पर, एंकल्स में एब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो सकती है, और इसी बिकॉज सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में बराबर, इसीलिए पेशेंट जो है वो बहुत वीक और टायर्ड फील करता है. तो ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्वेलिंग एंड टायर्डनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन. इसकी प्रोग्नोसिस ये देखा गया है कि हालांकि सीसीएफ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो पुअर है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि सीसीएफ के अगर पेशेंट्स हैं हमारे घरों में तो हम उनका बेहतर तौर पर कैसे ख्याल रख सकते हैं. कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है हार्ट फेलियर के बारे में. सबसे पहले कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसका मतलब है आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी इसके लिए. सेकेंड, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रोसीजर और सर्जरी से हार्ट फेलियर को है ट्रीट किया जा सकता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हार्ट फेलियर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स से कंटिन्यूस फॉलोअप में रहें, ताकि आपकी जो इसके सीसीएफ के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, आप जितने बेहतर तौर पर अपने मरीज का ख्याल रख सकेंगे उतना लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है सीसीएफ पेशेंट की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर डॉक्टर ऑफन. मैनेजिंग सीसीएफ एट होम, इसके सिर्फ 6 टिप्स हैं जो आपको याद रखना है, और अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने सीसीएफ पेशेंट्स का बेहतर तौर पर ख्याल रख पाएंगे. सबसे पहला है मेडिकेशन, टेक मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय योर डॉक्टर. देखिए मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सीसीएफ को कंट्रोल करने के लिए. बहुत ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट बनाएं जो भी मेडिकेशन आपके पेशेंट को, जो भी दवाइयाँ आप दे रहे हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इसी साथ ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी आप एक मेडिसिन चार्ट बनाया जाता है यहाँ पर आप मैं बिकॉज वी डोंट हैव द इंटरनेट बट देर इज वन साइट विच इज कॉल्ड हार्ट फेलियर मैटर्स वहाँ पर एक मेडिसिन चार्ट का फॉर्मेट है जिसको आप इजली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसकी और अपने पेशेंट्स का आप जब उनको मेडिसिन देते हैं तो वो बराबर कितने समय पे मेडिसिन ले रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिस्ट को जो आप है हमेशा अपने डॉक्टर के साथ जब भी आपका अपॉइंटमेंट है तो आपको ये मेडिसिन चार्ट जो है वो आप लेकर जाएंगे तो आपको मेडिकेशन का क्या कैसे देना है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आएगा। इसके साथ ही ये मेडिकेशन जब आप दे रहे हैं तो पेशेंट को अगर इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट या उसका कुछ भी ड्रग इंटरैक्शन होता है और उसकी वजह से पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है कोई सिम्टम है तो आप जो है वो ज़रूर वहाँ पर नोट कीजिए और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए क्योंकि इसकी जो मेडिकेशन है वो डायूरेटिक्स होती हैं ACE इनहिबिटर्स होते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो मेडिसिन का टाइमिंग है उसको बराबर मेंटेन करें। थर्ड है जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी सारी दवाइयां जो हैं वो साथ में लेकर जाएं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट या ड्रग इंटरैक्शन हो तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। ध्यान रखिए कि जो पेशेंट बराबर मेडिसिन लेते हैं वो ज़्यादा लंबा जी सकते हैं वो ज़्यादा बेटर फील करते हैं और उनका हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसका ड्यूरेशन भी काफ़ी कम होता है बिकॉज ऐसी बात है अगर आप CCF को अच्छी तरह मेंटेन करेंगे तो आप हमेशा ग्रीन जोन में होंगे। नाउ व्हाट आर दीज जोन्स? सी CCF मैनेजमेंट में ये तीन जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन जोन, अगर आपके पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, उनको कोई और तकलीफ नहीं है, यू नो, तो ये इसका मतलब आपके पेशेंट जो हैं वो ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन में अपने पेशेंट को रखना ये आपका गोल होना चाहिए केयर गिविंग में। उसके बाद आप ये देख रहे हैं येलो जोन। येलो जोन्स में यानी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो डेवलप हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप अपने पेशेंट का डे टू डे रिकॉर्ड रखेंगे, जैसे मैंने बताया मेडिसिन चार्ट बनाना है आपको, इसी के साथ आपको दूसरे एक और चार्ट बनाना है जिसे हम कहते हैं वार्निंग सिम्टम्स एंड इवेंट्स। तो येलो जोन में जब आपका पेशेंट आए तो तब ये वक्त है जब आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। और रेड जोन इज़ एमरजेंसी, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और आपका एम होना चाहिए कि आप कभी भी अपने पेशेंट को अगर आप येलो जोन में ही उनको मैनेज करेंगे तो आपको कभी येलो जोन या रेड जोन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका एम होना चाहिए कि आपका पेशेंट ग्रीन जोन में हो और येलो जोन में ही आपको अपने पेशेंट का बेस्ट मेडिकल जो केयर है वो करना होता है। थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, हमने पहली जो 6 टिप्स हैं उसमें सबसे पहली टिप है मेडिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करनी है, दवाइयाँ बिल्कुल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी वक्त पर देनी है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट या ड्रग इंटरैक्शन होता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। जब आप जाएं डॉक्टर के पास तो हमेशा अपनी दवाइयाँ जो हैं वो साथ में लेकर जाएं। सेकेंड टिप है CCF को मैनेज करने की, वो है प्रॉपर डॉक्टर अपॉइंटमेंट। जैसे मैंने बताया कि आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तब शेड्यूल करना है जब आपका पेशेंट येलो जोन में हो। हमेशा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जब लेकर आप जा रहे हैं तो जो पेशेंट का ख्याल रखता है उसे हमेशा जो दवाइयाँ उनको देता है जिससे जो पूरा टाइम उनका केयर कर रहा है उस इंसान को साथ में लेकर जाना डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, मैंने बताया सारी मेडिसिन लेकर जाइए और आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है इस बीमारी की प्रोग्नोसिस को लेके, मेडिकेशन को लेके, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में पूछें और बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर्स की उम्मीद रखें और आपके डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं वो बहुत केयरफुली सुने। हाँ सर,
ये हमारे एक्चुअली हेल्थ केयर इतना बर्डन है कि डॉक्टर्स के पास काउंसलिंग का टाइम नहीं है, इसीलिए आई थिंक हेल्थ एजुकेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर हम अपने पेशेंट को अच्छे से केयर गिविंग करेंगे, अगर हम अपने आप को एजुकेट करेंगे अपनी मेडिकल इलनेस के बारे में, तो हम अपने पेशेंट का खुद ही ख्याल रख सकते हैं और डॉक्टर का जब स्पेशलाइज जब हमको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो हम ले सकते हैं. हम दिस इज डॉक्टर वो अच्छे या डॉक्टर देर आर आते हैं, ऑलवेज कुछ गुड लोग अपने डॉक्टर्स एंड अवॉइड कर लेते जी हैं। जी या दैट्स द प्रॉब्लम. लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमारे हेल्थ केयर में बहुत डेडिकेटेड और अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा हेल्थ केयर काफ़ी बर्डेंड है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा. लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं, हम कैसे उनको बीमारियों से बचा सकें और कैसे हम उनको एजुकेट कर सकें हम खुद अपने आप को, ताकि हम अपने घर में ही हमारे जो पेशेंट्स हैं हम कैसे उनका सही ख्याल रख सकें, ताकि उनको इतना वर्स्ट होने की ज़रूरत नहीं हो. अगर हम मैनेज करना सीख लेंगे, अपने पेशेंट्स का सही ख्याल रखना सीखेंगे, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा हेल्थ केयर के लिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है, मैंने आपको बताया था कुछ वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको आपको मॉनिटर करना है ईच एंड एवरी डे. द थर्ड इज वॉच फॉर द सिम्टम्स. इसमें वो क्या क्या वार्निंग साइंस हैं देखिए, कीप अ डेली लॉग ऑफ वेट, आपको आपके पेशेंट का वजन, क्योंकि जब बॉडी में कंजेशन डेवलप होगा जाहिर सी बात है तो आपका वजन बढ़ता है, तो वो बहुत पहला इंडिकेशन होता है. स्वेलिंग आने से पहले ही अगर आपके वजन में हफ्ते में अगर 3 पाउंड से ज़्यादा हो गया है आपका वजन, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कंजेशन डेवलप हो रहा है और आपको डॉक्टर को आपके पेशेंट को लेकर जाना चाहिए. तो सबसे पहले है कि आप डेली लॉग रखें वेट का और ब्लड प्रेशर और पल्स, ये चीज़ों को, ये 3 चीज़ें मॉनिटर करना CCF पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेट कब करना है, एवरी मॉर्निंग सेम टाइम कीजिए, पेशेंट को यूरिनेशन के बाद वेट करना चाहिए, कुछ भी पानी वगैरह पीने से पहले कीजिए, और सेम अमाउंट ऑफ क्लोथिंग होनी चाहिए और आपको सेम स्केल यूज़ करना चाहिए, तो आपको सही आइडिया आएगा कि वज़न कैसा है पेशेंट का. तो वेट रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया कि येलो जोन में जब आपका पेशेंट जाता है, आप दवाइयाँ टाइम पर दे रहे हैं, आपने डेली लॉग बनाया हुआ है, डेली लॉग में आप रोज़ाना का वेट, हार्ट रेट, पल्स और ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ों का रिकॉर्ड आपको बनाना है. अगर आपको लगे 3 पाउंड से ज़्यादा वजन बढ़ गया है एक हफ्ते में, तो इसका मतलब है बॉडी में कंजेशन डेवलप हो रहा है. सेकेंड, अगर हाथ पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या लेट कर जब आपका पेशेंट है और उस वक्त उनको सांस की तकलीफ होती है, कफ है, ड्राई कॉफ, नाउशिया, वॉमिटिंग, पेशाब पहले से कम हो रही है और वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, या डिजीनेस हो रही है उनको, गिडिनेस, डिजीनेस, कंफ्यूज्ड हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको आपके पेशेंट को जो है वो डॉक्टर के पास ले जाना है. दिस मीन्स योर पेशेंट हैज़ कम इन टू द येलो जोन एंड रिक्वायर्स अ मेडिकल एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट. नाउ जो रेड जोन है, जो मैंने बताया आपको, जो लास्ट का जोन है, अगर CCF के पेशेंट्स में सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर बिल्कुल बैठे हुए भी अगर उनको बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है और चेस्ट पेन है और वो कंफ्यूज्ड है, तो इसका मतलब आपको कॉल 911 और कॉल 911 सॉरी कॉल 108, दिस इज़ द महाराष्ट्र एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नंबर, और यू हैव टू कॉल फॉर द एम्बुलेंस, बिकॉज ये एमरजेंसी सिचुएशन है और द पेशेंट कैन डाई. एम्बुलेंस वाले क्या है या यार, ये एम्बुलेंस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से फ्री, नाइन या 108. और अगर अगर आपका पेशेंट ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, यू नो, इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, सो यू हैव टू टेक योर पेशेंट टू द कैजुअलिटी डायरेक्टली.
तो जहाँ पे भी आपके फिजिशियन अटैच्ड हैं तो आपको फौरन वहाँ पर लेकर जाना है। अक्सर देखा गया है कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होती है तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केयर गिवर टू कम्युनिकेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद क्लैरिटी। तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला है कि डोंट पैनिक, बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिसीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, तो आपको सोच लेना चाहिए कि ये CCF में जाएंगे तो इनको ऐसी सिम्टम्स हो सकती हैं। तो बहुत अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड हो मेंटली, आपको नॉलेज है उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट डोंट पैनिक। सेकेंड, बी प्रिपेयर्ड विद इंफॉर्मेशन योर डॉक्टर विल नीड। जैसे मैंने बताया, जो सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप हुई हैं, आपको आपके डॉक्टर्स को, ट्रीटिंग फिजिशियन को, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और जो वो मेडिकेशन ले रहे हैं आप वो भी बताइए। क्विक टिप्स इसके लिए क्या है कि हमेशा जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप पेपर और पेन रेडी रखिए जब आप डॉक्टर को कॉल करते हैं, ताकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे आप उनको क्लियरली समझ के उसको फॉलो कर सकें। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो उन्हें रिपीट करने के लिए कहिए और क्लैरिफाई कीजिए। जो चौथी टिप है वो है, यस, इज द फोर्थ टिप, या टू थ्री, द फोर्थ टिप्स इज अबाउट डाइट एंड फ्लूइड्स। CCF पेशेंट्स आप जानते हैं, क्योंकि दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, तो आपको लो सॉल्ट डाइट फॉलो करना चाहिए। दिन भर में 1 टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट इनटेक नहीं होना चाहिए CCF पेशेंट्स का। और आप उनके लिए जो भी खरीदते हैं तो ज़रूर लेबल को रीड कीजिए कि उसके अंदर सोडियम कंटेंट कितना है। इसी तरह हेल्दी फूड ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए। फ्राइड की जगह बेक्ड और स्टीम वेजिटेबल और मीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी कंजेशन में है, इसीलिए आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको दिन भर में कितना लीटर आप पानी पी सकते हैं, तो बिल्कुल आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और जो आपके डॉक्टर ने आपका फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बताया है उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। योगर्ट, पुडिंग, आइसक्रीम और जिलेटिन, इनमें भी लिक्विड होता है, तो आपको आपका जो आप जो डाइट दे रहे हैं अपने पेशेंट को, तो उसमें इन चीज़ों का जो है वो लिक्विड में काउंट कीजिए इनको। इसी तरह कुछ फ्लूइड्स में बहुत ज़्यादा लिक्विड कंटेन ज़्यादा होता है, जैसे ग्रेप फ्रूट में 4 आउंस ऑफ फ्लूइड है और एक ऑरेंज में भी 4 आउंस ऑफ फ्लूइड होता है। हाँ नहीं, नो सर, लेकिन ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आपका, क्योंकि हार्ट अफेक्टेड है, किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती है ज़्यादा फ्लूइड, इसीलिए डॉक्टर्स आपको एक फिगर देते हैं अपने चार्ट के हिसाब से कि आप दिन भर में 1 लीटर पी सकते हैं, 1.2 लीटर। तो जितना आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी बर्डन हो जाएगी और ये जो CCF का पूरा जो कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स के लिए, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, आपको जितना आपके डॉक्टर लेना चाहिए, लेकिन आपको जितना डॉक्टर ने आपकी लिमिट बताई है उतना ही लेना है। नाउ ऐसे पेशेंट्स को जाहिर सी बात है थर्स बहुत ज़्यादा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप उनको जो आइस के चिप्स हैं, वो आइस क्यूब जो है वो मुंह में उनके रखिए, बार बार माउथ रिंस दीजिए, लेमन गागल्स हो सकता है या कोई गम या हार्ड कैंडी वगैरह जो है आप उनको मुंह में रखने के लिए दे सकते हैं, जिससे उनको प्यास कम लगे। फिफ्थ टिप है टू गेट प्रॉपर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक आई हैव टू यू नो एक्सप्लेन कि आपकी जो कार्डियक हेल्थ है उसका कितना एक्सरसाइज के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक्सरसाइज से आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज के बारे में भी अपने डॉक्टर से पूछें और अपने पेशेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहें, उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मॉडरेट एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। लास्ट, लिमिट एल्कोहल, टोबैको एंड कैफिन। इफ पॉसिबल क्विट स्मोकिंग, लिमिट कैफिन टू 1 or 2 कप्स पर डे।
और अल्कोहल को भी आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए. सो ये सिक्स टिप्स. चाय भी आ गया था, कॉफी एंड चाय. हाँ, कैफीन. यस यस यस. लास्ट है, पे अटेंशन टू द इमोशनल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत बार डिप्रेशन और ग्रीफ में जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी एपिटाइट में प्रॉब्लम होती है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर दे मे फील वेरी टायर्ड, देयर इज थॉट्स ऑफ सुसाइड एंड डेथ. एक ऐसा डर बना रहता है मौत का. विड्रॉवल हो सकता है, लोगों से बातचीत करना या इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं. इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है बाय डॉक्टर अरुण कोचर. आप इसके ऊपर जाकर इमोशनल हेल्थ का, आपकी कार्डियक हेल्थ पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट विल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक. सो आई एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केयरिंग इज गिविंग फ्रॉम द हार्ट. सो केयर गिविंग मस्ट बी फ्रॉम योर हार्ट और थ्रू द CCF. अगर आपके घर में CCF के पेशेंट्स हैं तो ये जो सिक्स टिप्स मैंने बताई आपको, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स, यू नो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, थर्ड आपका फ्लूइड एंड डाइट रेस्ट्रिक्शंस, यू हैव टू मेक अ डेली लॉग ऑफ वेट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स एंड एक्सरसाइजेस, एंड लास्ट इज अबाउट लिमिट योर एल्कोहल एंड एडिक्शन. अगर आप ये सिक्स टिप्स पर बराबर काम करें तो आप अपने CCF पेशेंट्स का बेहतर तौर पर ख्याल रख सकते हैं. ख्याल रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम जो अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं तो हम हमेशा इसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आ केयरिंग एटीट्यूड. लेकिन जहाँ हमारे घर में बीमार लोग हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें उनके मेडिकल कंडीशंस के बारे में. तो अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम अपने अपनों का बेहतर तौर पर ख्याल रख पाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो है हम अपने अपनों को खो सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर पेशेंट्स एंड ऑलवेज बिलीव दैट केयर गिविंग शुड बी फ्रॉम द हार्ट. सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड द हार्ट ऑफ योर लव्ड वंस. थैंक यू.